अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, फरीदी टीवी में खुश आमदीद। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर जारी होने के बावजूद हुकूमत ने अलामा साद हुसैन रिजवी साहब को रिहा नहीं किया। नाजरीन, जैसा कि मैंने आपको पिछली ही वीडियो में बताया था, अलामा साद हुसैन रिजवी साहब को रिहा ना करने के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने CCPO लाहौर को फौरी तौर पर तलब किया और समाअत 2 घंटे तक के लिए मुलतवी की गई थी और अब उसका फैसला आ चुका है। नाजरीन, मजीद आगे बढ़ने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रिहाई की हर अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। नाजरीन, अदालती हुक्म के बावजूद अमीर मोहतरम अलामा साद हुसैन रिजवी साहब को रिहा न करने पर लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। अदालत ने CCPO लाहौर को फौरी तौर पर मचल के जमा करने का हुक्म जारी कर दिया गया है और समाअत को कल 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। नाजरीन, रिहाई के हवाले से अभी कुछ नहीं बताया जा सकता क्योंकि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की दरख्वास्त दायर कर दी पंजाब हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में, जिसका फैसला आज ही मुतवक्के है तकरीबन 1-2 घंटे में। उम्मीद यही की जा रही है कि ये अपील भी खारिज कर दी जाएगी, इंशाल्लाह फतह हक की होगी। नाजरीन, इस हवाले से हमें जो भी अपडेट मिलेगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।